यूटीआई का डिबैकल हुआ था 3-4 साल पहले 2000 में, तो बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट जो यूटीआई में किए हुए थे वो काफी नीचे आ चुके थे। आए थे पैसे लेने और जाते हुए कहते हैं, अच्छा मेरे पास 50 लाख रुपए और पड़े हैं, अच्छा आप बताइए मैं कहाँ लगाऊं। एटिका वेल्थ इज एक्चुअली अ पोर्चुगीज वर्ड, अच्छा इट मीन्स एथिक्स इन दैट लैंग्वेज। जो हमारा पोर्टफोलियो हम क्लाइंट्स को दिखाएंगे, लाइव पोर्टफोलियो फैमिली का दिखाएंगे और उनको कहेंगे सर हमने यहाँ पैसे लगाए हैं, अगर आप कन्विंस हो तो आप भी यहाँ लगाओ। तो उस मूवी में वो जो एक बच्चा है 9 साल का, वो ये बातें सब सुन रहा था और वो अपनी SIP और इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। तो जब वो 40-45 का हुआ तो उसने एक रोल्स रॉयस खरीदी एंड एक सपना है, बाय 50th बर्थडे आई वॉन्ट टू क्रिएट 100 करोड़ कॉर्पस। रामदेव जी बॉम्बे खाली हाथ आए थे, जीरो से आज वो 2,200 करोड़ के मालिक हैं। तो जब उन्होंने करके दिखाया एंड ही सेज इन हिज प्रेजेंटेशन यू टू कैन डू इट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो उनके हस्बैंड ने दिया था 6.5 लाख रुपए का दिया था, अच्छा और आज 13 साल हो गए हैं, वो जो हस्बैंड की फैमिली उनका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। क्या बात, 500-800 घर हैं वहाँ, एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ ये SIP नहीं चल रही है। कोई फैमिली घूमने जा रही है सोचे कि ये होटल लूँ कि वो होटल लूँ, ये फ्लाइट में जाऊँ, नहीं सोचना आपको, आप जाके खाली खर्चा करो। बहुत सारे क्लाइंट जो 50-55 के हैं और अच्छा पैसा है, हम उनको बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आप बिजनेस क्लास फ्लाई करोगे, यू वॉन्ट फ्लाई बिजनेस इकोनॉमिक क्लास, अगर आप इकोनॉमिक क्लास फ्लाई करना है तो पैसे निकाल लो आप सारे। मैंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट हॉलीडे कब लिया था, तो बोलते 3 साल हो गए, कोविड था, लोगों ने हॉलीडे नहीं लिया। बोला घर की छोड़ो आप, पहले ये 10 लाख रुपए लो जाके खर्चे करके आओ। चैलेंज कि 50th बर्थडे से पहले आई वॉन्ट टू टेक दिस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ 100 करोड़ एंड शो टू द वर्ल्ड कि दिस हैज बीन पॉसिबल। देखिए आज से कुछ साल पहले तक 100 मीटर रेस को 10 सेकंड में पूरा कर देना, ये कोई एथलीट अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन जब हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर रेस को 9.58 सेकंड में पूरा कर दिया, उसके बाद तो जैसे कई सारे एथलीट ने इसे पूरा करके दिखा दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ में होने वाला है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद जिससे कि आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से। ये एक CFA भी है और इनका करीबन 2000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का AUM है। इनका नाम मिस्टर गजेंद्र कोठारी है। गजेंद्र कोठारी जी करीबन 19 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी में काम कर रहे हैं, एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर काम कर रहे हैं, एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर गजेंद्र कोठारी जी से। इस वक्त मैं उनके ऑफिस में आया हूँ और आपको ये मौका मिलेगा उनके ऑफिस को देखने का। तो चलिए मिलते हैं गजेंद्र कोठारी जी से और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और उनके ऑफिस को भी देखते हैं। हाय हाय, क्वाइट स्पेशियस ऑफिस, ग्रेट। आइए। हेलो गजेंद्र जी। हेलो रंजीत जी, कैसे हैं? कैसे वेलकम वेलकम टू एटिका वेल्थ। थैंक यू सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू गजेंद्र जी, मेरे को याद है कि 2007 में मैं आपसे मिला था क्या? मैं आपको सुन रहा था एक्चुअली, वो नेटवर्क FP के प्रोग्राम में हम लोग बैठे थे, LJ सेंटर है वहाँ पे कुछ मीटिंग हो रही थी नेटवर्क FP की, वहाँ पे वैसे तो कुछ 5-6 लोग ही थे, 10-12 लोग ही थे, तो वहाँ पे मैं आपको सुन रहा था और आपकी बातें जो है मुझे आज भी याद है। आप बोल रहे थे आप ट्रू कॉलर के बारे में बात कर रहे थे, आज तो बहुत फेमस हो गया, उस वक्त लोगों को पता नहीं था, लेकिन आपका विजन जो है वो तब से ही मेरे दिमाग में था। और टुडे आई एम लकी, आज इतने साल हो गए हैं, आज आपसे मिलने का मौका मिला है। ऑफिस देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ऑफिस बनाया आपने, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया, वेरी मोटिवेशन। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले क्या करते थे, आप पहले क्या करते थे और फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कैसे आए, ये बिजनेस में कैसे आए आप? बिल्कुल, 2004 में मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तब UTI म्यूचुअल फंड में मेरी नौकरी लगी थी। उससे पहले मुझे मैं आसाम से आया था अच्छा। और दिल्ली में MBA कर रहा था, तो कैंपस में UTI आई थी, उन्होंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, मेरा भी लिया। तब तक मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो एक रात इंटरव्यू के पहले मैंने सारा स्टडी किया कि क्या होता है, और फिर मैं इंटरव्यू में बैठा, लकीली सेलेक्टेड भी हो गया। अच्छा, तो UTI ने 4 लोगों को कैंपस से सेलेक्ट किया था, मैं भी था,
हम सबको बॉम्बे बुलाया गया, करीबन 30 लोगों को उन्होंने ऑल इंडिया से मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से लिया था। एक हफ्ते की ट्रेनिंग हुई यूटीआई कैपिटल मार्केट्स वाशी में जो है, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हमें सबको पोस्टिंग दी गई थी और मुझे कहा था, मेरा जब जो यहाँ के वेस्टर्न हेड थे उन्होंने मेरा सीवी देखा, बोलता अच्छा मिस्टर कोठारी आप आसाम से हो तो आपको पता है हमारी एक ऑफिस आसाम भी है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन दैट ऑफिस, आपका घर भी नज़दीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो दे वर वेरी काइंड। बट आई सेड सर मुझे आसाम ही अगर ज्वाइन करना होता तो मैं इतनी दूर नहीं आता। यू नो इफ यू आर इन कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में है तो बॉम्बे इज द एपिसेंटर, तो आप बॉम्बे में रहेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। करेक्ट। एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप इन बॉम्बे। माय बॉस मिस्टर प्रदीप कुमार, देन बॉस, वाज वेरी काइंड इनफ एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पोस्टिंग दी जुहू ब्रांच में। अच्छा। यूटीआई म्यूचुअल फंड की जुहू ब्रांच थी। तो फर्स्ट दिन मैं जब जुहू ब्रांच में गया तो मेरे जो वहाँ के बॉस थे तो उन्होंने मुझे देखा, सब कुछ किया और बोला कि चलो इस, ये एक और आदमी है, इसके साथ तुम अभी मार्केटिंग में निकल जाओ। आप सोचिए मैं फर्स्ट दिन ऑफिस में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मार्केटिंग और मुझे मार्केटिंग पे लगा दिया। अच्छा। सेल्स पे, यू नो इंडस्ट्रियल एरिया जाओ, वहाँ पे क्लाइंट्स को समझाओ क्या होता है। दैट इज हाउ, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो हमने स्टडी किया था थियोरेटिकल लाइफ में वो नहीं है, ये दुनिया अलग है प्रैक्टिकल। रंजीत जी एक बहुत अनोखा चीज हो रहा था यूटीआई में, यूटीआई का डिबैकल हुआ था 3-4 साल पहले 2000 में, तो बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट जो यूटीआई में किए हुए थे वो काफ़ी नीचे आ चुके थे, तो काफ़ी लोग रोज ब्रांचेस में आते थे इतने सारे पेपर्स लेके, पुराने यूटीआई के डॉक्यूमेंट्स, और आके बहुत चिल्लाते थे कि गवर्नमेंट ने हमारा सारा पैसा ख़त्म कर दिया, हमें कुछ नहीं रखना, मुझे ये सारा पैसा निकाल के दो। तो मैं उनको शांत करता था, मैं बोला पहले तो आप बैठ जाइए, मैं आपकी सारी हेल्प करता हूँ। तो मैं उनके सारे पेपर्स देखता था और पेपर्स देखने के बाद मुझे समझ में आता कि उसकी वैल्यू 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए की, जो उनको पता नहीं है कि पिताजी ने बहुत साल पहले उनके लिए किया था। हाँ। और अब वो नहीं रहे और उनको पता नहीं है, तो वो बोलते थे नहीं मुझे सब निकाल दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस, बस खाली। तो मैं उनको सामने ही, हमारे यूटीआई के सामने तिवारी ब्रदर्स करके एक मिठाई की दुकान बहुत अच्छी होती थी, मैं उनको वहां लेके जाता था। अच्छा। उनको बादाम मिल्क शेक पिलाता था ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं, और फिर उनको मैं हेल्प करता था कि सर आप चिंता मत कीजिए, ये 10-15 दिन में मैं आपका सब ठीक कर दूंगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो जब उन्होंने रवैया देखा कि एक सरकारी कंपनी में ये 24-year-old लड़का इतने अच्छे से बात कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। तो वो बात हुआ तो मैं अच्छी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा, जाते जाते आए थे पैसे लेने और जाते हुए कहते हैं अच्छा मेरे पास 50 लाख रुपए और पड़े हैं, अच्छा आप बताइए मैं कहाँ लगाऊँ। क्या बात, क्या बात। तब मैंने रियलाइज़ किया रंजीत जी कि हमारे कंट्री में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। जब ये 50 लाख वाले इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कहाँ लगाना चाहिए, तो आम निवेशक की आप हालत समझ सकते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि सही एडवाइज़र की ज़रूरत है, यंग बच्चा था, तो मैं बोला कि कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं और फिर कभी एक दिन अपना खुद का शुरू करेंगे। दैट इज़ द डे और दैट वॉज द टाइम व्हेन द सीड वाज सोन कि मुझे एक दिन फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोफेशन में आना है। बहुत बढ़िया, बहुत। 2011 में आपने ठान लिया कि अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। तो बिल्कुल, तो उस लकीली यूटीआई ने मुझे लंदन भेजा। अच्छा। बोला कि आप अच्छा कर रहे हो तो आप लंदन जाओ, हमारी वहाँ ऑफिस है, आप यूरोप के मार्केट से को। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ भी मैं एनआरआई कम्युनिटी के साथ बात करता था, तो मैंने देखा कि लंदन में भी लिटरेसी बहुत कम है। अच्छा। तो मैंने वहाँ के सारे कोर्सेज किए, मैंने CFA प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म किया, CFA चार्टर जो है, 3 साल मैंने वहाँ पढ़ा। और नौकरी के साथ साथ जब मैं लोगों से मिलता था तब मुझे लगता था कि वहाँ भी लिटरेसी नहीं है, बट मैंने देखा कि अगर इंडिया में आके शुरू करता हूँ तो वहाँ मार्केट बहुत बड़ा है। हालांकि मैंने लंदन की सब पढ़ाई कर ली थी, लंदन के मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स मुझे अच्छे से मालूम थे। अच्छा। बट मैंने सोचा कि लेट्स कम बैक टू इंडिया और यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैं इंडिया आया तब इंडिया में मैंने देखा मिस सेलिंग बहुत हो रही थी। हमने देखा था चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चाहे बैंक्स हो, बहुत मिस सेलिंग हो रही थी। मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी, मैंने बोला कि क्लाइंट का हार्ड एंड मनी है, वो हमारे पर विश्वास करके कर रहे हैं, और अगर 5-10 साल बाद पता चलता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा सिस्टम पे। तो मेरे भाई जो कि उस वक्त दूसरी कंपनी में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करते थे, वहाँ भी उन्होंने देखा कि काफ़ी मिसेलिंग का प्रेशर रहता है, टारगेट्स प्रेशर, तो हमें ये चीज़ कभी पसंद नहीं थी। हमने ये कहा कि जो हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जो पैसा लगा रहे हैं, वहीं हम क्लाइंट का पैसा लगाएंगे। और हमने डे वन से एक बात ठानी रंजीत जी की, जो हमारा पोर्टफोलियो हम क्लाइंट्स को दिखाएंगे, लाइव पोर्टफोलियो फैमिली का दिखाएंगे और उनको कहेंगे सर हमने यहाँ पैसे लगाए हैं, अगर आप कन्विंस हो तो आप भी यहाँ लगाओ। अच्छा होगा खराब होगा दोनों के साथ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस दिन से हमने इस पूरे फिलॉसफी से हमने एटिका वेल्थ चालू की। एटिका वेल्थ इज एक्चुअली अ पोर्चुगीज वर्ड। अच्छा। इट मीन्स एथिक्स इन दैट लैंग्वेज।
ओके। तो मुझे 3 महीना लगे नाम ढूंढने में कि विच रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी आर डूइंग। एंड हमारा पंच लाइन था एथिक्स बिफोर एवरीथिंग। अच्छा, तो सबसे पहले एथिकल सोचना है, रूल्स रेगुलेशन सब बाद में आते हैं, आप क्लाइंट के लिए बढ़िया सोचो। और टी रो प्राइस करके बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में, उनके जो फाउंडर थे उन्होंने एक बात कही थी, व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट इज ऑल्सो गुड फॉर द फर्म। तो जो क्लाइंट के लिए अच्छा है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली अच्छा है। बहुत बढ़िया। वो फिलोसफी से डे वन में हमने काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की। 2011 में जब मैंने ज्वाइन किया तो 4 करोड़ रुपए का AUM हम मैनेज करते थे उस वक्त। और भगवान की दुआ है, दया है, आज 2023 हो गए, टुडे वी आर मैनेजिंग 1600 crores ऑफ आवर क्लाइंट्स एसेट्स। सुपर्ब सुपर्ब। अक्रॉस 6000 यूनिक क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुपर्ब। एंड वी हैव अ टीम ऑफ 30 पीपल। बहुत बढ़िया। ब्रांचेस है कलकत्ता में, असम में, दिल्ली में और सूरत में। बहुत बढ़िया। सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, जर्नी हैज बीन अमेजिंग। एंड जब क्लाइंट्स के लिए अच्छा करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तब वी फील कि ये दिस इज बियॉन्ड बिजनेस, दिस इज मोर ऑफ अ पैशन एंड यू हेल्पिंग दिस इंडस्ट्री ग्रो। बहुत बढ़िया। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ गजेंद्र जी कि आसाम से एक लड़का आया है, 24 साल का लड़का, और मैं ये अज्यूम इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि 2004 में मैंने भी अपना करियर चालू किया था, यू नो, कहीं पे जॉब मैंने भी किया था, तो मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था थोड़ा आपसे। और कैसे आप आसाम से आए और आज मैं आपका ऑफिस देख रहा हूँ, 1600 करोड़ का आपने AUM बना लिया है, सुपर। मैं आपके ऑफिस को भी देख रहा हूँ, पीछे मेरे मुझे ये रॉयल्स रॉयस का लोगो दिख रहा है। तो आप रॉयल्स रॉयस गाड़ी चलाते हैं या आपका ड्रीम कार? ये मॉडल आपके सामने है। अच्छा, रॉयल्स रॉयस का। ये मैंने अभी इंग्लैंड से मंगवाया था ये मॉडल। अच्छा। रॉयल्स रॉयस के शोरूम से। ओके। इंडिया में ये मॉडल मिलता नहीं है। ओके। तो मैं ये आपको जरूर खोल के दिखाना चाहूंगा सो दैट दर्शक हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। ओके। तो ये ओरिजिनल रोल्स रॉयस शोरूम का घोस्ट जो ब्रांड है उनका मॉडल है। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। सो एक मूवी आई थी, IDFC फाउंडेशन ने 2011-12 में एक मूवी बनाई थी, वन इडियट करके। तो हम सबने 3 इडियट्स का नाम सुना है। हाँ। वन इडियट किसी ने नहीं सुना। ये मूवी YouTube पे है। ये आधे घंटे की मूवी है जो बताता है कि वाई शुड वी ऑल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका है तो वाई वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी नाउ। तो इसीलिए वो मूवी में बताते हैं कि कैसे आपको सेविंग्स करनी चाहिए, जल्दी से शुरुआत करनी चाहिए, और तब जब आप 40-50 के हो तो आपके लाइफ में जो भी गोल्स हैं वो आप पूरा कर सकते हो। तो उस मूवी में वो जो एक बच्चा है 9 साल का, वो ये बातें सब सुन रहा था और वो अपनी SIP और इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। तो जब वो 40-45 का हुआ तो उसने एक रोल्स रॉयस खरीदी। अच्छा। तब मुझे भी चमका कि जब ये एक बच्चा ऐसे प्लानिंग करके 40-45 में कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं बट हमारा एक सपना है, रोल्स रॉयस इज वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस कार में से एक आती है। करेक्ट। तो इट इज़ एन एपिटोम ऑफ लग्जरी। तो अगर हम SIP करके, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करके अगर हम रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं तो फिर दुनिया में कोई भी गोल पॉसिबल है। सो दैट वॉज द डे मैंने बनाया कि मुझे एक दिन मेरे इन्वेस्टमेंट से रोल्स रॉयस लेके आनी है। ओके। तो आज उस, और तब से पिछले 10-12 साल से मैं पैसे सेव करना शुरू कर दिया और अगले होपफुली 2-3 सालों में सब कुछ ठीक रहा तो ये रोल्स रॉयस आ जाएगी। बहुत बढ़िया। बट इसके पीछे एक और चीज़ है, ये मेरे लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, मुझे नहीं चलाने, मुझे गाड़ी का शौक नहीं है, बट उस बच्चे ने उस मूवी में करके दिखाया तो एक मैंने चैलेंज लिया कि ये मुझे करके दिखाना है। बहुत बढ़िया। तो ये रोल्स रॉयस हर जन के लिए, जिसको बैठना है पूरे इंडिया में, आपके व्यूअर्स को अगर इंटरेस्ट है और वो मोटिवेटेड इंस्पायर होना चाहते हैं, दे कैन कम टू बॉम्बे, रोल्स रॉयस में बैठें, एक ड्राइव मरीन ड्राइव का चक्कर लगाएं, इफ दैट कैन इंस्पायर देम टू डू गुड फॉर अदर्स, क्या बात, तो मेरा काम हो गया। बहुत बड़े विचार। सो दैट इज व्हाई दिस सेज फ्लाई और फॉल। यू नो, दुनिया में 2 ही चॉइसेस होती हैं। आप मिडिल ग्राउंड नहीं ले सकते हो, या तो आपको सक्सेस हो गया आप करोगे, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, आपने एफर्ट्स लगाए, बेस्ट। बहुत बढ़िया। सो दिस इज अ स्टोरी एंड द आइडिया इज टू इंस्पायर यंगस्टर्स जो 20 साल के, 15 साल के, 25 साल के हैं। देखिए, मैंने 30, जब मैं एज 30 थी तब मैंने सेविंग्स करना शुरू किया था, आई वॉज लेट इन माई लाइफ। बट आज के जो यंग हैं बच्चे लोग, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम 15 साल 18 साल में 1000 रुपए से शुरू करो। क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज टू वर्क टिल 60-70, देयर वाज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट। बट टुडेज जनरेशन डोंट वांट टू वर्क बियॉन्ड 50-55 और दे आर सो स्ट्रेस्ड कि उनकी हालत भी नहीं रहती कि वो काम कर सकें। That is how you have to make your money work hard for you. Super. So this has been the whole story. And ek sapna hai, by 50th birthday, I want to create 100 crore corpus.
एंड गो टू द वर्ल्ड एंड सेज ये सारा मैंने SIP इन्वेस्टमेंट्स करके खुद का कॉर्पस 100 करोड़ का ओके कि एक मिडिल क्लास आदमी जो 10,000 रुपए की SIP से चालू करता है और एक बड़ा कॉर्पस बना के दिखाया है, विच मीन्स यू नो आप जैसे रामदेव जी के बहुत बड़े फैन हैं, रामदेव जी बॉम्बे खाली हाथ आए थे, जीरो से आज वो 2,200 करोड़ के मालिक हैं, तो जब उन्होंने करके दिखाया एंड ही सेज इन हिज प्रेजेंटेशन यू टू कैन डू इट करेक्ट, तो फिर हमें करना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, सो दैट इज माय स्टोरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बातें हुई ये तो अभी झलक है, जो हमारे दर्शक हैं उनको अभी बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि उन्हें बहुत मोटिवेट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऑफिस जो है ना वो एक उसमें से माध्यम होगा हमारे दर्शकों को मोटिवेट करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी ऑफिस थोड़ा हमें दिखाएं। जरूर, प्लीज, या मोस्ट वेलकम। सो गजेंद्र, 2004 से 2023 तक आपने ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी तय की है, आपने इतना अच्छा ऑफिस बनाया है और आपके विचार इतने बड़े हैं, शुरुआती दिनों में आज आपने इतने सारे कस्टमर बनाए, 6,000 कस्टमर आपने बोला, तो कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू, अपने बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू, शुरुआती दिनों में किस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बिल्कुल, ये जो बिजनेस हमने बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, मेहनत बहुत की है, फर्स्ट 5 ईयर्स हमने बिकॉज दिस वॉज योर बेबी तो आपने पूरी जी जान लगा दी, सैटरडे संडे भी हम काम करते थे। जहाँ भी कहीं कोई क्लाइंट बुलाता था हम चले जाते थे, बट एक ही उद्देश्य था कि अच्छा काम करना है, यू नो गुड वर्क करना है, और कॉन्फिडेंस था ये इस इंडस्ट्री में, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस था कि आप अच्छा काम करोगे तो एक दिन रिजल्ट्स आएंगे। सो बहुत सारे मैं सेमिनार्स करता था, इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार्स, वो दो दो तीन तीन घंटे के सेमिनार होते थे, उसमें मैं प्लेन सिंपल स्टोरी बताता था कि ये होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या, और मैंने मेरा पैसा यहाँ लगाया, सो आई शुड टेल माई स्टोरी। और उसके बाद मैं कोई मार्केटिंग नहीं करता था, ना अपनी कंपनी की मार्केटिंग करता था, ना अपने बारे में, लोगों को बोलता अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ पीपल यूज टू कॉल मी आफ्टर अटेंडिंग 2-3 आवर सेमिनार, एंड आई रियलाइज कि जिसने 3 घंटा सेमिनार अटेंड करके वो खुद से चला के फ़ोन कर रहा है, मतलब ही इज़ कन्विंस्ड, यू नो आप उनको फॉलोअप नहीं कर रहे हो, करेक्ट, तो अब वो अगर आ रहे हैं तो समझ के आ रहे हैं, एंड दे ही विल बिकम योर क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गेटिंग 1, 2, 5, 10, 15 क्लाइंट्स। मुझे एक बात याद है रंजीत जी, 2011 में 2 लेडीज हाउसवाइफ ने मेरा सेमिनार अटेंड किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो मैंने उनको पूछा आप कहाँ से आए, तो उन्होंने बोला हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सेमिनार हो रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग पे, तो हम आए, आपका सेमिनार बहुत अच्छा लगा, 4 दिन का ये पूरा सेमिनार था जिसमें सिर्फ आपका ही सेशन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा, बाकी सब हमारे ऊपर से जा रहा था, तो बोला अच्छा, तो बोलता क्योंकि आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया, राइट, तो योर एंटायर प्रेजेंटेशन सो सिंपल दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एंड दैट्स हाउ वी लाइक्ड इट, वी वांट यू टू मीट आवर पेरेंट्स और हस्बैंड्स, आप उनको समझाइए, वी आर कन्विंस, अभी आप उनको समझाइए, तो हमने वहाँ से शुरुआत की। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो उनके हस्बैंड ने दिया था 6.5 लाख रुपये का दिया था, अच्छा, और आज 13 साल हो गए हैं, वो जो हस्बैंड की फैमिली उनका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, क्या बात, और उन्होंने जो नेटवर्क दिया है अपने फ्रेंड्स फैमिली, उस नेटवर्क का अगर मैं वैल्यूएशन लगाऊं तो 200 करोड़ का वो वैल्यूएशन खाली नेटवर्क से आ रहा है। उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, उन्होंने 25 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो आज है, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, तो सोचिए द पावर ऑफ रेफरल्स। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स कि आप अच्छा काम करो, एंड इफ यू बिल्ड ए नेटवर्क, योर नेटवर्क विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। बहुत बढ़िया, बट यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव द राइट इंटेंट, एंड यू हैव टू डू गुड फॉर योर क्लाइंट। तो आपको पहला हिट जो है वो आपको कब महसूस हुआ कि ये मेरे को अच्छा हिट मिल गया? 2011 में आपका BSc में जो हुआ प्रेजेंटेशन, करेक्ट, या उससे पहले कब आपको लगा कि मुझे बड़ा हिट मिल गया? सो 2011 में मैं आसाम गया वापस, 15 अगस्त के दिन वहाँ पे हमने एक 500 लोगों के लिए सेमिनार किया, अच्छा, पूरे सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, छुट्टी थी, सब लोग आए, तब मैंने ये 4-5 घंटे का सेमिनार था, उसमें लेडीज़ भी आए, सब आए, तब तक ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था किसी को कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है। और उस दिन मैंने उनको एक अपनी डॉटर का एग्जाम्पल दिखाया था कि मेरी डॉटर 6 महीना हुए थे बॉर्न हुए, तब मैंने एग्जाम्पल दिया कि आज ये अभी ये बॉर्न हुई है, मैंने 10,000 रुपये की SIP उसके नाम पर की है, तो बताया था, और मैंने बोला एक दिन मैं वापस आपके पास आऊँगा तब बताऊँगा कि देखो इसका 3 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है। तो वो सेमिनार बहुत हिट हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा, उसके अगले दिन से हमें बहुत कॉल्स आने लग गए, और करीबन उस वक्त कोई नहीं जानता था, और आज मैं 11 साल बाद मैं अगर वहाँ पे वापस सेमिनार किया अभी 15 अगस्त को, 500-800 घर हैं वहाँ, एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ ये SIP नहीं चल रही है। सुपर, लुक एट, एंड जोरहाट आसाम इज़ नॉट इवन टीयर 4 सिटी है ये, तो अगर सोचिए आप फाइनेंशियल लिटरेसी वहाँ भी पहुँच गई है,
दैट इज हाउ वी बिलीव कि इंडिया मतलब यू नो आने वाले टाइम पे वी कैन गो मच हायर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्ड ऑफ माउथ. अब ये सब लोग स्प्रेड कर रहे हैं. दैट्स आई गॉट माई बिग हिट. एंड देन उसके बाद हम एक सेमिनार पे आगे करते गए तो हमने पूरे इंडिया में कम से कम आज तक 600 सेमिनार किए हैं. क्या बात. ओनली ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. बहुत वेयर द आइडिया इज टू गो एंड जस्ट एडुकेट पीपल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड शो योर ओन स्टोरी दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स. दिस इज वॉट यू शुड डू. बहुत बढ़िया. सो गजेंद्र जी, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है. मैं चाहता हूँ कि आपके ऑफिस का कोई दूसरे एरिया हम लोग कवर करेंगे और वहाँ पे बातचीत करेंगे. श्योर, मोस्ट वेलकम. थैंक यू. वो कैबिन तो आपका है, ये कैबिन में कौन बैठते हैं? ये मेरे छोटे भाई बैठते हैं. आपके छोटे भाई बैठते हैं यहाँ पे. ओके. वो भी आपका मतलब एडवाइजरी करते हैं या उनको कोई अलग डिपार्टमेंट? नहीं नहीं. सो हम लोग दोनों मल्टी फंक्शनल हैं. अच्छा. वो भी एडवाइजरी करते हैं, वो मीडिया में बहुत इंटरव्यूज भी करते हैं. अच्छा. हाँ. और सो ही इज फार मोर टैलेंटेड देन मी एक्चुअली. अच्छा. और हार्डवर्किंग भी मेरे से ज्यादा करते हैं. ओके. सो हम लोग दोनों की एक जुगलबंदी है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है. वेरी गुड टीम ऑल्सो. हम लोग टीम्स को भी बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इन्वेस्ट करते हैं उनमें. और उनको एक सबसे पार्टनर्स बनाया हमने कि आप अच्छा करो, क्लाइंट्स के लिए अगर अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा. बहुत बढ़िया. तो वो ऑर्डर में हमने कंपनी बनाई है. एंड सारे एम्प्लॉयज जो है सब यंग हैं, तो दे हैव अ बिग रनवे. 10 साल, 15 साल, 20 साल वो काम कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. और जो हमने सीखा इंडस्ट्री से, हमारी एक ही आइडिया है कि उनको हम सिखाएं. बहुत बढ़िया. कैन वी मेक अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ्स इन देम? तो वो है, तभी आप 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक पहुंच पाओगे. तो मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने इतना डेडिकेटली जो इतने साल काम किया है, 2004 से लेकर 19 साल हो गए आपको, तो आपके इतने सालों के आपने जो डेडिकेटली काम किया है, आपने उसको क्या निचोड़ निकाला है? अगर मैं पूछूं कि आपकी क्या लर्निंग आई है इससे, वो लर्निंग जो अब आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए. सी, शुरू शुरू में जब ये काम शुरू किया था तो इट वॉज मोर लाइक, चलो बिजनेस है, आप हेल्प कर रहे हो. बट अभी पता चलता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड. हम डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं. एक दिन आएगा कि अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बिकॉज यू आर हेल्पिंग पीपल फाइंड लास्टिंग फाइनेंशियल पीस. देखिए, 95% जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, दे आर समवेयर कनेक्टेड विथ मनी. हर किसी की लाइफ में जो झगड़े होते हैं, जो हम आजकल ट्रस्ट नहीं है, वो सब मनी के पीछे है. इफ़ वी कैन हेल्प सॉल्व दिस पजल इन समबडीज लाइफ, कि आपको पैसों के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो सोचिए आपने कितना बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला दिया फैमिली में. कोई फैमिली घूमने जा रही है, सोचे कि ये होटल लूँ कि वो होटल लूँ, ये फ्लाइट में जाऊँ, नहीं सोचना है आपको. आप जाके खाली खर्चा करो, और कितना कर सकते हो आप करो. तो उस दिन तो एक मैजिक हो गया उनके लिए लाइफ में. दैट इज़ वॉट हैज़ बीन आर लर्निंग, नॉट टू जस्ट मेक मनी फॉर आर क्लाइंट्स, बट टू मेड देम स्पेंड दिस मनी, मेक देम स्पेंड. बहुत बढ़िया. तो ये जो ख्याल आता है, और सोचिए आप यहाँ बैठे हैं, क्लाइंट कहीं एंजॉय कर रहा है, और वो एंजॉय करते करते आपको थैंक यू बोल रहा है कि यार तुम्हारे कारण आज मैं ये देख पा रहा हूँ, तो सोचिए आपके लिए और क्या चाहिए. द ब्लेसिंग्स दैट यू आर अर्निंग, दैट इज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग. मैं एक्चुअली इनफैक्ट मैंने इस वीडियो के शुरू में भी यही बोला कि 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड में पूरा करना, ये कोई एथलीट कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था. लेकिन जब उसेन बोल्ट ने कर दिया, तो फिर तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. आज की तारीख में मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन जब आप ये कर दोगे, आप रॉयल सोर्स ले लोगे, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा. इन टर्म्स लोग करना शुरू कर देंगे. बिल्कुल. ये बाद में करना शुरू कर देंगे, आज तो ये बातें लग बातें. वही है, जिस दिन करके दिखा देंगे, एक विजिबल चीज़ आ जाएगी. करेक्ट करेक्ट. और आइडिया हज़ारों जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो इस चीज़ के इंस्पायर होकर वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे, मैं 43 का हो गया, अब कितनी लाइफ है. एक्टिवली आप 15-20 साल कर सकते हो, फिर आप थक जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे. करेक्ट. और जो आज 15-20 साल का लड़का है, वो देख रहा है, उसके सामने तो पूरा पूरा करियर बाकी है. Absolutely. और इंडिया जो जिस फेज से जा रहा है, हम लोग अमृतकाल बोल रहे हैं, आने वाले 25-30-50 साल तो इंडिया के हैं. Absolutely. इंडिया विल गो ऑन टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट 40-50 ईयर्स. तो जो इतनी वेल्थ आएगी, उसको राइट हैंड्स में जानी चाहिए. Absolutely. तभी सबका फायदा हो सकता है. बहुत बढ़िया. तो गजेंद्र जी, आप कहाँ पे लेके चलेंगे मुझे आपके ऑफिस में? चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं. सो गजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पूछने के लिए आप मुझे बहुत सही जगह पे लेके आए हैं. ये आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मीटिंग्स चलती रहती है आपकी. Yes. तो कैसे आप गजेंद्र जी, ये जो मार्केट में इतने चेंजेस होते रहते हैं,
यू नो इक्विटी मार्केट में तो लगातार ऊपर नीचे, कभी आज कुछ न्यूज़, हर दिन की न्यूज़ पे चलता है, तो कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? और फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं जो कस्टमर को, वो तो मार्केट से लिंक्ड होते हैं, आप कैसे ये श्योर करते हैं कि मेरे कस्टमर का जो गोल उसने सोचा है वो पूरा होगा ही? अपडेटेड कैसे रखते हैं और श्योर कैसे करते हैं? बिल्कुल. सो ये मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. इससे ऊपर की कहीं कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता जो आप नॉलेज में लगाते हो. तो तब से लेके आज 19-20 साल हो गए, हर दिन 2-3 घंटे मैं नॉलेज में इन्वेस्ट करता हूँ खुद को अपडेट करने के लिए. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में द ओनली रॉ मटेरियल दैट यू हैव इज योर माइंड. करेक्ट. आप कोई आदमी इसका 1,000 रुपये चार्ज करता है तो कोई 1 करोड़ भी चार्ज कर सकता है. करेक्ट. यू नो आप कितना उसको शार्प करते हो. सो यही मैंने किया है और टीम्स के साथ भी मेरे यही है कि आपको दिन भर एक ही दो ही काम होने चाहिए, ये तो आप नॉलेज ले रहे हैं या आप नॉलेज बांट रहे हैं. तो आप किसी से सीख रहे हैं और क्लाइंट्स को आप वही चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि हर दिन मार्केट्स में डायनेमिक्स चेंज होते हैं, क्लाइंट्स आपसे नए सवाल करेंगे. एवरी टाइम यू कैन नॉट कम टू मी एंड आस्क, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू आंसर देम. तो उनको बहुत ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत सिखाते रहता हूँ. तो अब ऐसा स्टेज आ गया कि वो लोग खुद जाके क्लाइंट्स को हैंडल कर पाते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. और एंड आई कीप गोइंग टू मैनी कॉन्फ्रेंसेज, मैनी सेमिनार्स, क्योंकि हर आदमी मुझे लगता है कुछ ना कुछ सिखा सकता है. आज आप आए हैं तो मैं आपसे भी कुछ सीख सकता हूँ. यू नो एवरीबडी हैज़ द यूनिकनेस. सो द आइडिया इज़ टू फाइंड द बेस्ट इन एवरीबडी एंड देन लर्न एंड यूज इन द वे यू वॉन्ट. आपकी स्टाइल में उसको आप डिलीवर करो तो वो है. सो हम लोग कोई आईफोन नहीं बेच रहे हैं, कोई टेंजिबल चीज़ नहीं बेच रहे हैं, तो हमारी एडवाइस बेच रहे हैं तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए. और किसी का देखिए रंजीत जी, यू नो लाइफ लॉन्ग मेहनत हमारे पास लगी है, इट्स एट स्टेक. वो कल को रॉन्ग नहीं चली जाए, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए. तो हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए बिकॉज हमने ठीक से पढ़ा नहीं था, हमने ठीक से समझा नहीं था, उसका अगर हम सही एडवाइस नहीं कर पाए तो इट कैन बैकफायर. तो इसलिए हमें 4 बार सोचना पड़ता है कि यू नो व्हाट वी आर एडवाइजिंग इज गुड फॉर द क्लाइंट एंड कैन इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. 10 साल बाद उसको जो सोचा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. दैट इज़ वाई वी हैव टू बी ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, वी हैव टू बी ऑलवेज टू. और एक चीज़ और है, जिस दिन क्लाइंट को लग जाएगा कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, दे विल नॉट दे विल स्टॉप कमिंग टू अस. तो इसीलिए हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना जरूरी है. चार्ली मंगर हमेशा यही कहते हैं, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते हैं, यू नो एवरी डे व्हेन यू वेक अप read little bit more so that when you go back to bed you are little more wiser. absolutely right. to wahi thoda thoda wise karne ki banne ki koshish karte hain bas. koi aapka gajendra ji koi customer ka experience aapko yaad aata hai kyunki aap logo ke goals par kaam karte hain, financial goals par kaam karte hain, aur you know kisi ka result bahut badhiya aayega, kisi ka market ke upar depend karta hai. कोई आपको कोई एग्जांपल आप हमारे साथ में शेयर करेंगे कि आपने उसके गोल्स पे काम किया है और वो बहुत अच्छे से जो है उसको रिजल्ट मिला, ऐसा कोई? 100% बहुत अच्छी स्टोरी है. एक हमारे क्लाइंट बने थे 2-3 साल पहले, ही वॉज द CEO ऑफ एन IPL टीम. अच्छा. पिछले 10-12 साल से ही वॉज द CEO ऑफ एन IPL टीम. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पैसा कमा रहे होंगे, राइट? उनकी 5 करोड़ की कुछ पे थी लास्ट. सो बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ. जब 2 महीने का IPL सीजन चलता है तब आप दे कांट इवन टॉक टू द फैमिली मेम्बर्स, बच्चों को वाइफ को देख भी नहीं सकते हैं. बिकॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग रहती है, प्रेशर रहता है, स्ट्रैटेजी रहती है. तो वो बहुत थक चुका था, बोला मैंने बहुत पैसे कमा लिया, अब और इच्छा नहीं है. अच्छा. आप मेरा फाइनेंशियल प्लान देख के बताओ कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ क्या? तो हमने अच्छा से देखा, हमने बोला सर आपके पास बहुत है, अभी आप छोड़ सकते हो. तो उन्होंने हमसे 3 बार 1-1 महीने बाद मीटिंग की जस्ट टू वेरीफाई कि आर वी नॉट रॉन्ग इन आर डिसीजन, क्योंकि एक गलती हमारे से उनकी लाइफ खराब कर सकती है. जब हमने उनको हर तरीके से रीअश्योर किया, तो जैसे ही IPL का सीजन खत्म हुआ एंड द टीम डिड वेरी वेल, दे वर सेकंड इन द लीग टेबल. सो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या प्रेशर रहता है. अपने बॉस के पास गए, ओनर ऑफ द टीम के पास गए और कहा कि आई वॉन्ट टू क्विट. द ओनर वॉज मतलब फ्यूरियस कि ऐसा कैसे बोल सकते हो आप. उनको लगा कि कोई और कॉम्पिटिशन उनको पोच कर रहा है. तो बोला अच्छा तुमको कितने पैसे चाहिए? यू नो द ओनली थिंग आस्किंग व्हाट हाउ मच यू वॉन्ट. ये सर बात पैसे की है ही नहीं, मैं तो पैसे नहीं कमाने और अब ये सब नहीं करना इसलिए छोड़ रहा हूँ. द ओनर कुडंट बिलीव बिकॉज द ओनर यूज टू थिंक मनी कैन बाय एवरीथिंग बट मनी कुडंट बाय हिम. ही सेड मुझे नहीं करना है एंड ही लेफ्ट द जॉब एंड देन ही वेंट विद हिज फैमिली फॉर अ 2-month ट्रिप टू यूरोप. अच्छा. बोलता है मैंने आज तक इतना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड नहीं किया इतना, और अब मैं आके मुझे लगता है मैं बहुत एट पीस है, मैं मतलब यू नो शांति है, तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा.
फ्रीलांसिंग कुछ करना है, घर पे तो बैठना नहीं है, अपने हिसाब से करूंगा, मुझे किसी के प्रेशर में नहीं आना है. सो दैट हैप्पीनेस व्हेन यू सी. और अब बहुत बार ऑफिस आते हैं, दो दो घंटे हमारे साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. बोलता है कि आपने मेरी लाइफ बदल दी. एट 48-49 आई कुड नेवर इमेजिन कि आई वुड बी लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ विदाउट एवर हैविंग टू वरी अबाउट मनी. बहुत बढ़िया. तब हमें लगा कि आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग गुड. तो देर आर मेनी सच स्टोरीज. हम लोग हमारे क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट जो 50-55 के हैं और अच्छा पैसा है, हम उनको बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आप बिजनेस क्लास फ्लाई करोगे, यू वोंट फ्लाई बिजनेस इकोनॉमिक क्लास. अगर आप इकोनॉमिक क्लास फ्लाई करना है तो पैसे निकाल लो आप सारे. अच्छा, मुझे मैनेज नहीं करना है, क्योंकि मुझे खाली पेपर पे आपका वेल्थ बना के नहीं देना है. मुझे मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ टाइम में ये वेल्थ एंजॉय करके जाओ. बहुत बढ़िया. और बहुत पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए करूँगा. मतलब बच्चे को आप वैल्यूज दो, एजुकेशन दो, उनके लिए वेल्थ मत छोड़ के जाओ. अगर वो अच्छे हैं तो वो खुद की वेल्थ बनाएंगे. आप उनको मेरे पास भेजो, मैं ट्रेन करूंगा सब कुछ, बट आप उनको रेडीमेड प्लेटर पे मत देके जाओ. मेरे भी एक कस्टमर ने कहा था, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो खुद वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, और अच्छे नहीं है तो फिर उन्हें वेल्थ देने की क्या जरूरत है. Exactly. आप जितना भी देके जाओगे वो कम पड़ जाएगा. करेक्ट करेक्ट. राइट. तो और मैंने द डे आई पास आउट फ्रॉम माई MBA कॉलेज, आई हैव नेवर टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली. आज तक नहीं लिया. सेल्फ एस्टीम की बात है. Correct. और फैमिली ने आपके लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है. अब और कितना आप उन पर डिपेंडेंट होगे. इट्स टाइम टू गिव बैक नाउ, यू नो, एंड योर पेरेंट्स विल फील प्राउड. मैं आज भी भाड़े के घर पे रहता हूँ. पेरेंट्स लोग ने बहुत बार बोला कि खुद का घर ले लो. मैं बोला नहीं, जिस दिन अपनी कमाई, जिस दिन अपना वेल्थ बनाऊंगा तब मैं लूंगा. तब तक मैं किसी से नहीं मांगूंगा. और आज तक मैंने एक रुपये का लोन नहीं लिया किसी से. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम. सो द सेम थिंग आई वॉन्ट टू टीच माई शेयर विद माई क्लाइंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन. So that it's not just about money, it's about building a character and building many other things in life. बहुत पैसा बहुत कुछ सिखा देता है आदमी को. बहुत बढ़िया. सो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है. और जब ये स्टोरीज पूरी होती हैं, क्लाइंट्स अपनी बिजनेस क्लास की टिकट हमें एयरपोर्ट से लाउंज से जब उनको फोटो भेजते हैं, क्या बात है, बड़ी खुशी होती है कि पैसा सही, उसने लाइफ लॉन्ग मेहनत की है. इट्स टाइम फॉर हिम टू एंजॉय. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक और वीडियो है हमारे क्लाइंट्स का, जबरदस्ती हमने उसको मर्सिडीज एस क्लास दिलवाई. अच्छा. जबरदस्ती. आप 55-60 के हो गए, लाइफ कब एंजॉय करोगे. आपका बर्थडे आ रहा है, वाइफ को सरप्राइज करो. तो उन्होंने मर्सिडीज के शोरूम में लेके गए, वाइफ को सरप्राइज किया. वाइफ कुडंट बिलीव और फोटो वीडियो बना के पूरा उन्होंने हमारे साथ किया. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मोमेंट इन माई लाइफ. बहुत बढ़िया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जब ऐसे क्लाइंट शेयर करता है तो हमें लगता है कि चलो हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. सैटिस्फैक्शन मिलता है. सुपर सुपर. आइए गजेंद्र जी, आपका एक ऑफिस का और एक कोना देख लेते. बिल्कुल. आगे बढ़ने से पहले रंजीत जी, मैं आपको कुछ खास एक बात बताना चाहता हूँ मेरे ऑफिस के बारे में. ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये हमारे जो ओनर है उनकी हैंडमेड है. उन्होंने लगाई थी, उन्होंने बनाई थी. तो उन्होंने मुझे आके ऑफिस में कहा कि ये मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. तो दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू. आप कहाँ लगाना चाहेंगे. तो हमने बहुत कुछ सर्वे किया, बट हमने फिर ये जगह फाइनल की, क्योंकि हम जिस काम में हैं, लोग फाइनेंशियल वरीज के साथ हमारे ऑफिस में आते हैं. किसी को रिटायरमेंट की टेंशन है, किसी को बच्चों की पढ़ाने की टेंशन है, या फिर किसी को और टेंशन है. तो वो आते हैं टेंशन लेके, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे डिस्कशन के बाद जब वो निकले बाहर तो वो इस बच्चे की तरह हों, खिलखिलाते हुए, कि सारी वरीज मैंने आपको दे गई है, सौंप दिया हूँ, अब आप जानो, मुझे अब इन्जॉय करनी है लाइफ. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट आर इन्वेस्टर्स टू एक्सपीरियंस दिस आफ्टर मीटिंग अस. आपके ना गजेंद्र जी, आपके बहुत सारे विचार हैं, और कई सारे विचार जो है ना वो बहुत इंस्पायर करते हैं. आपकी कई सारी ऐसी बातें हैं. एक तो ये कि आपने कहा कि आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, आपके पास गाड़ी भी नहीं है. मैं हैरान हो गया. yes. जबकि आप रॉयल्स रॉयस ले रहे हैं, वो भी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए. इसके पीछे लॉजिक क्या है. सिंप्लिसिटी. यू नो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घर नहीं लेना चाहिए, बट मुंबई में आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट अफोर्डेबल. और बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि घर लेने के चक्कर में वो ऐसी जगह ले लेते हैं जहाँ से फिर ट्रैवल कम्यूट करना बहुत मुश्किल है. 3 घंटा वो डेली के जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं. Absolutely. तो दैट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ लाइफ टू लिव. आई सेड कि आपका मैक्सिमम समय फैमिली के साथ होना चाहिए. तो आप भले ही ऑफिस के पास रेंट पे रहो, तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम, और यू कैन स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग एंड नॉलेज. एब्सोल्युटली. राइट. जिस दिन पैसे हो जाएंगे तो आप घर खरीद लेना, बट तब तक लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. सो अभी मेरा जो घर है यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग पे है. मैं घर पे खाना खाने जाता हूँ एवरी डे. कैन यू इमेजिन इससे बड़ी लाइफ में क्या लग जाएगी. आप गर्म खाना खा रहे हो फैमिली के साथ बैठ के. तो मैंने बोला जिस दिन पैसे आ जाएंगे तो उस दिन घर खरीद लेंगे. तब तक
लिव लाइफ किंग साइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज. बहुत बढ़िया. एंड मुंबई में हम लोग देखते हैं दो दो तीन तीन घंटा लोग टाइम स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग में. आइडियाज टू चेंज दिस मेंटेलिटी. मैं काफ़ी पढ़ता हूँ रहता हूँ, यू नो नवल रविकांत करके हैं, और बहुत लियोनार्डो द विंची आप देखो, उन्होंने सब में बताया कि लाइफ इज सिंपल, वी इंसिस्ट एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. एब्सोल्युटली. स्टीव जॉब्स को आप ले लीजिए, हर चीज़ में वो सिंप्लिसिटी ढूंढते थे. बोलता है कि मुझे कैमरा इतना अच्छा बना देना है कि लोग को समझना नहीं पड़े और वो खुद उसको कैमरा अपना आप ऑपरेट कर पाए, फ़ोन उस हिसाब से कर देना है. तो जब उनसे सीखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि इस हिसाब से एडवाइस करो कि 12 साल का बच्चा भी अगर आपको सुनने आया है, या मेरी दादी माँ, शी वॉज 90, शी जस्ट पास अवे दिस ईयर, अगर वो मुझसे मेरी बातें सुने तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है. Correct. ये बातें आज तक हमें क्यों नहीं बताई. अदरवाइज फाइनेंशियल एडवाइजर इज टेंड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लोग सोचते हैं कि वाई मोस्ट पीपल आर इन इंडिया, 95% ऑफ आर यू नो पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इलिटरेट, बिकॉज उनको लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. करेक्ट. तो द आइडिया इज टू मेक इट सिंपल. सो गजेंद्र जी, आप जब कस्टमर्स को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर? स्ट्रेटेजी क्या होती है कि ये की फैक्टर्स हैं जो मुझे इंप्लीमेंट करने हैं जब मैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं? बहुत सिंपल है रंजीत जी, हम बहुत सरल भाषा में उनसे बात करते हैं. हम उनको एक ही बात पूछते हैं कि आपके लाइफ में ड्रीम्स क्या हैं, सपने क्या हैं, गोल्स क्या हैं, आप वो हमें बताओ, विश लिस्ट बताओ. ये मत सोचो कि आपके पास पैसे हैं नहीं है. अगर आपके पास आज बहुत सारे पैसे होते तो आज आप लाइफ में क्या करते? आई वॉन्ट टू नो दैट. तो फिर मैं वो समझता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है. फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आपको मैं इस हिसाब से ये प्लान बना के दे रहा हूँ, आपसे मुझे सिर्फ दो चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन आपकी तरफ से ये प्लान एग्जीक्यूट करने में, और पेशेंस. प्लान की गारंटी मेरी है, अगर नहीं होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, रिटर्न्स कितना आएगा, मार्केट्स क्या होंगे. डिसिप्लिन आपने बोला, और क्या? डिसिप्लिन एंड पेशेंस. पेशेंस आपको समय देना पड़ेगा. आप सोचोगे कि रातों रात रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं होता है. हम ये एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, 10 साल आपको पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स, उसके जो फल आएंगे, आप पूरी लाइफ. आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है जब आप जो करते हैं? हाँ, इसमें आपकी स्ट्रेटजीज क्या होती? बहुत सिंपल है सर, हम मोस्टली SIPs जो होते हैं वो करते हैं ताकि धीरे धीरे जाते रहे. एक और स्ट्रेटजी है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको सारा पैसा आज लगाना है. हम बोलते हैं कि 50-50 डिवाइड करो, 50% आप आज खर्चा करो और 50% फ्यूचर की प्लानिंग करो. तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मुझे ये खर्चने भी बोल रहे हैं. सो कई बार मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे बोलते हैं घर लेना है, मैं सारे पैसे लगाना चाहता हूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट हॉलीडे कब लिया था? तो बोलते 3 साल हो गए, कोविड था, लोगों ने हॉलीडे नहीं लिया. बोला घर की छोड़ो, आप पहले ये 10 लाख रुपये लो, जाके खर्चे करके आओ. क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे, अगर हम खाली काम काम में रहेंगे और हम नहीं आज जीना भूल जाएंगे, तो वो वेल्थ का मतलब क्या है? Absolutely. तो हम उनको पहले वो समझाते हैं, फिर जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं हम उनको बोलते हैं कि आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा. आप जितना अंदर घुसोगे उतना आप खराब करोगे. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप खाली डॉक्टर को बोलते हो मुझे बुखार है. डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप डॉक्टर को ये नहीं पूछता आप मुझे ये क्यों दवाई दी हो, व्हाइट वाली क्यों नहीं, पीली वाली क्यों, मुझे खट्टी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप ये नहीं सवाल करते हो. आप डॉक्टर पर भरोसा करते हो कि मुझे ठीक हो जाऊंगा ना मैं 2-3 दिन में. तो वही चीज़ है. तो हम ही क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपको गोल से मतलब होना चाहिए. आपके पोर्टफोलियो में 10%, 12%, 15% रिटर्न, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी है या डेट है या ऐसा है, वो मेरा काम है, वो टेक्निकल काम है. सो हम उनको सिंपल तरीके से करते हैं और वो भरोसे वाली बात करते हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उनको एडुकेट भी करते रहते हैं. हम इसलिए एडुकेट करते हैं कि कल को आप हो, आप आ जाए हैं, कल आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली, बच्चे, सबको पता होना चाहिए कि आप किन से डील कर रहे हो. उनको पूरे फाइनेंशियल अफेयर्स पता होना चाहिए. तो हम पूरी फैमिली को एंगेज करते हैं. What exactly you do? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं? सो लाइफ इंश्योरेंस में हम उनको टर्म प्लान बोलते हैं. सबसे पहले आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए. कल को कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को एक लमसम मिले. एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और फिर एक क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये प्रोटेक्शन पार्ट हो गया. उसके बाद आप सेविंग्स पे आइए. सेविंग्स पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म सेविंग्स से शुरू कीजिए, इमरजेंसी फंड हो गए, ये शॉर्ट टर्म गोल्स. और उसके बाद लॉन्ग ग्रोथ वाली सेविंग्स, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रेंस एजुकेशन. आजकल सब बच्चे, सब पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, 2-3 करोड़ रुपए खर्चे लग सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग आज से कैसे करो. फिर घर खरीदना है, ये लग्जरी वेकेशंस लेने हैं. तो एक एक गोल्स बनाते हैं, लिखते हैं, टाइमलाइन देते हैं कि इस साल में ये अचीव करेंगे, और उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आज से आपको इतना पैसा SIP या लमसम डालना है, तो वो अपना बन जाएगा. यही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है. और फाइनली हम उनको एक ही बात बोलते हैं, जब आपने ये कर लिया तो एक विल बना के जाइए, क्योंकि कल को कुछ हो गया तो आप एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हो किसको कितना पैसा मिलेगा. तो ये आपने कर लिया तो अब आप एंजॉय कीजिए लाइफ.
पैसों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया. सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गजेंद्र जी, 2004 से आप यू नो फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हैं और मार्केट में कई सारे ऐसे मूवमेंट आ गए हैं जब मार्केट गिर गया, बढ़ गया, अच्छे न्यूज़, बुरे न्यूज़. तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कस्टमर पर, क्या आपको बिकॉज ऑफ मार्केट में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से आपको अपनी स्ट्रेटजी कभी बदली करनी पड़ी कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी में तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि लाइफ बहुत डायनामिक है, मार्केट्स बहुत डायनामिक है, तो आपको अपने हिसाब से टाइम्स के हिसाब से बदलना पड़ता है. बट जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो सिंपल है, वो चेंज नहीं होती है. बट जो टैक्टिकल पार्ट होता है कि अगर बाजार अभी नीचे हैं, जैसे कोविड अच्छा एक एग्जांपल था, मार्केट्स 40% नीचे आ गए थे, तो हमने क्या किया था रंजीत जी, हमने अपना खुद का फैमिली का पैसा बहुत डाला बिकॉज वी फेल्ट दैट वॉज अ गुड टाइम. 30% 40% नीचे हैं, आपके सारे पोर्टफोलियोज बहुत खराब दिख रहे हैं, बट यही सही समय है डालने का. जब यू नो मार्केट्स में अभी 15 अगस्त की सेल आ रही है, सब जगह 40-50% डिस्काउंट और सारे मॉल्स भरे हुए रहते हैं, तो जब लोग यहाँ खरीदने जाते हैं कि वो सस्ता मिल रहा है, तो मार्केट्स भी तो सेम ही है. आपको जो 100 रुपये की चीज़ थी 50 रुपये मिल रही है, बट वहाँ लोग घबरा जाते हैं. तो हमारा आइडिया था कि हम खुद के पैसे पहले इन्वेस्ट करेंगे. फिर हमने 24 मार्च को एक नोट लिखा सारे क्लाइंट्स को कि व्हाट आई एम डूइंग विथ माय मनी, और हमने 2000 क्लाइंट्स को सर्कुलेट किया. वो जब नोट उन्होंने पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा, रीअश्योरेंस लगा कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑल इन, एग्रेसिव बनो. और लोगों ने बहुत पैसे डाले और आज हम जब देखते हैं 2-3 साल बाद वो पैसे 2-3 गुना हो गए हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो अब उनका भरोसा हम पे 10 गुना हो गया है कि यू नो दे आर द मास्टर्स, दे अंडरस्टैंड. और अब बहुत सारे क्लाइंट्स हमको आके ये कहते हैं रंजीत जी कि ये समझ लो आपका पैसा है, अब आपको जो मैनेज करना अपने हिसाब से करो, आई विल नेवर इंटरफेयर इन योर वर्क. गजेंद्र जी, मार्केट में कई सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, यू नो लाखों फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं देखा जाए तो. तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत अच्छा जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसका, और एक जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझे देख के लग रहा है कि आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ही काम कर रहे हैं, तो आपसे तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते होंगे. तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन दोनों में क्या आपको फ़र्क दिखते हैं? फ़र्क है, जो एक नॉर्मल सा फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो समा मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता है, या उसकी खुद की बहुत बिलीफ नहीं है. वो काम कर रहा है बिकॉज उसको काम करना पड़ रहा है. यू नो ही केम बाई चांस एंड नॉट बाई चॉइस, राइट? आई केम बाई चॉइस. आई लेफ्ट माई जॉब इन लंडन जहाँ मैं 1 करोड़ रुपये कमा रहा था साल के, वो छोड़ के आके मैंने शुरू किया. सो आई न्यू वॉट स्टेक्स आई वॉज यू नो गेटिंग इन टू. बहुत लोगों ने मुझे मना किया था कि अरे इसमें बहुत रिस्क होते हैं, ये चेंजेस रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं. मैंने बोला जब आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, तो फिर रास्ते में जो प्रॉब्लम आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो योर एंड गोल. सो यू नो निक मरे जो मेरे गुरु हैं, वेल्थ गुरु, वो हमेशा ये की बात कहते हैं, वाई हैव यू कम हियर, यू हैव कम हियर टू डू गुड फॉर योर क्लाइंट्स, एंड बाई डूइंग गुड फॉर योर क्लाइंट्स यू विल डू वेल फॉर योर सेल्फ एंड टू बी हैप्पी डूइंग वेल बाई डूइंग गुड. जब आप क्लाइंट्स के लिए अच्छा कर रहे हो, खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, तो यू आर ऑटोमेटिकली हैप्पी. तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इट कीप्स मी मोटिवेटेड एवरी डे. वो जो इकिगाई एक जैपनीज किताब है, यू नो द रीजन ऑफ वाई यू आर हियर, आप क्यों आए हो, तो इट वॉज नेवर फॉर मनी. ठीक है, मनी हर बिजनेस में जरूरत होती है, एक पार्ट होता है प्रॉफिट्स, बट नाउ यू हैव रीच अ स्टेज वेर इट इज बियॉन्ड मनी. नाउ इट इज द स्टेज वेर यू वॉन्ट टू मेक डिफरेंस इन मिलियंस ऑफ लाइव्स. तो जब आप पैशन से काम करते हो ना रंजीत जी, देन यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट. और जब आप बेस्ट करते हो ना, देर इज नेवर अ फिनिशिंग लाइन इन क्वालिटी, उसमें कोई एंड लाइन नहीं होती, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, राइट? तो वो हम रोज कोशिश करते हैं. वी इन्वेस्ट अ लॉट इन आवर बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, क्लाइंट्स, हम बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन पे. जो नॉर्मल एडवाइजर्स होते हैं वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. और क्लाइंट्स पर आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कैसे करते हैं? एडुकेशन सेमिनार्स में उनको बुलाते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स में उनको बुलाते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे उनको बुलाते हैं. तो और बहुत सारे, जैसे एक मेरे क्लाइंट कोई हैं जो लॉजिस्टिक्स में है, तो उनको कल ही मैंने IIM अहमदाबाद में कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है लॉजिस्टिक्स पे, वो उनको भेजा. तो उनको अच्छा लगता है कि ये मेरे बारे में सोचता है, आउट ऑफ द वे जाके ढूंढ के मुझे ये अच्छा प्रोग्राम और मेरे फ़ायदे के लिए बता रहा है. तो हम ये रिसर्च वगैरह सब करते हैं और हमने क्लाइंट्स को मैपिंग करके रखा है कि किस क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ सही है, क्या तरह के नॉलेज एजुकेशन प्रोग्राम सही है. तो हम अपने टीम को बोलते हैं कि ये सब क्लाइंट्स को आप शेयर करो, सो दैट यू नो हम खाली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम उनको लाइफ की और भी
एक फैमिली को बाहर बच्चों को भेजना था, तो हमारे पास पूरी गाइड है एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड ओवर कि इसमें क्या कोर्सेज है, क्या फीस है, रहने के क्या खर्च होंगे, अलग अलग कंट्रीज के. हमने जब उनको गाइड भेजी तो उनको बहुत अच्छा लगा. बोलता है हम इतना परेशान हो रहे थे, सब नेट पर ढूंढ रहे थे और आपने एक ही जगह हमको एनसाइक्लोपीडिया भेज दिया. सो थॉटफुल ऑफ यू एंड दिस वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर जॉब, यू नो. हमने एक्स्ट्रा स्टेप लेके किया. मैंने जब मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था गजेंद्र जी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि आप अपने कस्टमर को आप अपना खुद का स्टेटमेंट दिखा देते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है. करेक्ट. तो कितना इन्वेस्टमेंट है कि आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सो मैं ये वन इडियट से इंस्पायर हुआ था. तो उसमें वो जो वन इडियट था वो ही वॉज वर्थ 100 crores बाय द एज ऑफ 50. तो आई सेड मुझे भी एक दिन ये वन इडियट बनना है. तो लेकिन 2010 में मैंने, आप हंसेंगे सुनकर, पैसे तो थे नहीं उस वक्त, जस्ट स्टार्ट किया था. तब मैंने लाइफ की फर्स्ट सेविंग स्टार्ट की थी एंड आई स्टार्ट विद ओनली 10,000 rupees SIP. उतनी ही सेविंग्स थी. बट खाली हमने एक अच्छा किया कि हर साल वो SIP को बढ़ाते गए. जो भी बिजनेस से इनकम आई हम उसको SIP में डालते गए. तो पहले 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh महीने के करने लगे एंड टुडे इन 2023 वी आर डूइंग 22 lakh 15,000 पर मंथ SIP. अच्छा. आर फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, हर महीना ये जाना ही जाना है. ये डिसिप्लिन हो गया. मैंने आपको पहले बताया था कि डिसिप्लिन ज़रूरी है और अब 11 साल हो गए तो पेशेंस भी आ गया है. हमने कभी छेड़ा नहीं है. तो ये अगले 7 सालों में ये 100 crores हो जाएगा. टुडे आई रीच 30 crore माइलस्टोन. बट अब ये कंपाउंडिंग का गेम है तो अगले 7 सालों में ऑटोमेटिकली इट विल रीच ए फिगर ऑफ 100. बहुत बढ़िया. विच वॉज माई चैलेंज कि 50th बर्थडे से पहले आई वॉन्ट टू टेक दिस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ 100 crores एंड शो टू द वर्ल्ड कि दिस हैज़ बीन पॉसिबल. बहुत बढ़िया. तो अगेन वो एक चमत्कार वाली बात हो गई. रोल्स रॉयस वाला एग्जाम्पल दिया, ये 100 crore वाला. सो द आइडिया इज़ टू टेल पीपल कि सिंपल थिंग्स करके डिसिप्लिन पेशेंस रख के आप ये कर सकते हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो एंड व्हेन यू शो योर ओन थिंग ना, देन द क्लाइंट डजंट हैव एनी रूम फॉर डाउट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. राइट. जब 2020 में कोविड में मेरा पोर्टफोलियो सबसे खराब था, आई वॉज ब्लीडिंग. राइट. बट देन ऑल्सो आई कुड पुट अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई सेड आई एम वेरी होपफुल और मैं पैसा डाल रहा हूँ, आप भी डालो. तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आया तो आप तो वो मतलब ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट हो गया हमारे पे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गजेंद्र जी, आपसे इतनी सारी मैंने वार्तालाप की है, क्या आपने अब तक कोई इनोवेशन इस इंडस्ट्री में ऐसा किया है जो आपको लगता है कि मैंने कुछ ये नया, आपने तो बहुत कुछ किया है लेकिन ये शायद दूसरे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ऐसा नज़र में आता है कि मैंने ये एक इनोवेशन किया और वो इंडस्ट्री में कुछ बदलाव ला पाया, या आप सोच रहे हैं कि मुझे करना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं? बिल्कुल. सो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है बहुत जगह पे. हमने देखा बहुत मिससेलिंग होती है. तो जब 10 साल पहले मैंने ये अपना पोर्टफोलियो दिखाने का ट्रेंड चालू किया तब तक इंडस्ट्री में कोई नहीं दिखाता था. सब डरते थे कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा. राइट. तो मैंने दिखाना चालू किया. मैंने वेबसाइट पे डाला है मेरा पोर्टफोलियो का फिगर्स कि मेरे ये है. तो मैंने बोला मुझे डरना क्यों है, जब मैंने जो काम मैं लोगों को बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ तो मुझे तो इसको इंकरेज करना चाहिए. अब ऐसा हो गया, मैं जहाँ जहाँ सेमिनार करने जाता हूँ मैं ये बात बोलता हूँ, हज़ारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से देख के अब अपना पोर्टफोलियो दिखाने लग गए हैं, मेरे से इंस्पायर होकर. पहले वो 10,000-20,000 की SIP करते थे, अब उन्होंने 2-2, 4-4 lakh रुपये की SIP करनी चालू कर दी है. बहुत बढ़िया. और बोलते हैं गजेंद्र जी ये चेंज करने के बाद हमारी जो मीटिंग्स में जो बदलाव आए हैं हम इतने कॉन्फिडेंट हैं और हमारे क्लाइंट्स अब हम पे बहुत भरोसा करने लगे हैं. तो हमारे पास बहुत सारे लेटर्स, मेल्स लोगों के आते हैं कि यू हैव चेंज आवर लाइव्स, वी फील टुडे प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर गेटिंग मच मोर रेस्पेक्ट. बहुत बढ़िया. बट आई फेल्ट कि जब कोई चीज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है ना तो यू शुड शेयर इट विद पीपल एंड आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. राइट. तो आई थिंक दैट इज मेड पीपल मतलब यू नो बिलीव इन यू. एक मेरा वीडियो है ऑनलाइन जो किसी ने इंटरव्यू लिया था जैसे आज आप ले रहे हैं, वो वीडियो आज 5,000 व्यूज उसके हो गए हैं खाली एडवाइजर फ्रेटर्निटी में. राइट. एंड दैट गाय सेड दिस इज द हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप. और मैं साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया कहीं भी जाता हूँ ना, सब लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो मैंने 4-5 बार देखा है. जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो आपका वीडियो देखता हूँ और मैं चार्ज अप हो जाता हूँ. तो कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में किसी का क्या भला कर रहे हो, यू नो पता है. एंड टुडे थैंक्स टू पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड द मीडियम यू कैन रीच आउट टू एनीबडी. एब्सोल्युटली. कोई इंग्लैंड में बैठा, कोई यूएस में बैठा आपका वीडियो देख रहा है एडवाइजर और उसको कुछ आइडिया क्लिक कर जाए
आई थिंक यू मेड अ गुड गुड अनकॉन्शियसली तो बातों बातों में बहुत सारे मैसेजेस जो हैं लोगों तक जा रहे हैं ये बातों बातों में, लेकिन आप कॉन्शियसली क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को या ऐसे व्यक्ति को जो इस बिजनेस में अभी आया है या आना चाहता है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत सिंपल मैसेज है, आई विश आई वॉज बॉर्न टूडे और आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड माई करियर टूडे, क्योंकि जो मुझे ग्रोथ दिख रहा है, जो फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत ब्राइट है, और जो सही एडवाइज़र क्वालिटी से काम करेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा, इंटेग्रिटी से हार्डवर्क करेगा, स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट. ओके, इंडिया नीड्स गुड क्वालिटी यंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स, राइट? तो कोई कॉम्पिटिशन की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली यही करना है कि कैन आई बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. अगर आप खाली उसी पे फोकस करते हो तो यू कैन गो टू एनी लेंथ. आज अगर मैं एक नॉर्मल आसाम से आके अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकती है फिर. तो आई थिंक माई मैसेज इज दैट यू हैव टू बी बिलीविंग इन दिस द वर्क दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क. हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर्स तो एक ज़िंदगी देता है खाली, आप लोगों को जीना सिखा देते हो. करेक्ट. तो आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपको तो प्राउड होना चाहिए. सी, एक कहावत है जॉनी वॉकर की, एक कहावत है द होल वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर द मैन हु नोज वेयर इज गोइंग. जब आपको अपनी मंजिल पता है, रास्ता पता है, सारी दुनिया रास्ता छोड़ देगी, जगह छोड़ देगी आपके लिए. बिकॉज 99% लोगों को तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है. हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और लाइफ का पर्पस नहीं पता चलता है. सो गजेंद्र, आप अभी इस मुकाम पर आ गए हैं, ये काफ़ी बड़ा मुकाम है, इसको बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम ये मुकाम पर आए हैं. कई लोगों को तो दिमाग में भी नहीं है कि ये मुकाम अचीव कर सकते हैं क्या. तो यहाँ से आगे अब आपका क्या गोल है, क्या आपका विजन है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सो अभी तो इमीडिएट विजन यही है कि ये चैलेंज को प्रूव करके दिखाना है. ये पहला, दूसरा हंड्रेड क्रोर्स वाला, रॉयल चॉइस का फर्स्ट रॉयल चॉइस, सेकंड हंड्रेड क्रोर्स वाला. जिस दिन ये हो जाएगा मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वायरल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया इंडिया के कोने कोने तक ये बात पहुंचेगी. हजारों एडवाइजर्स जुड़ना चाहेंगे और फिर एक इच्छा है कि तब आपका काम है कि अब आप उसको मेंटरशिप करके सही लेवल पे लेके जाओ. बिकॉज नाउ पीपल ट्रस्ट यू, राइट? यू हैव एंड यू हैव सीन 25 years, तो अब आपके पास एक्सपीरियंस है, लोगों का ट्रस्ट है. अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो थ्रू वॉट एवर मीडियम एंड टेक इट टू द कॉर्नर्स ऑफ आर कंट्री, वेदर टीमिंग विद 500 एडवाइजर्स. एक और सपना है कि अभी तक तो हम लोग पैसे वालों के लिए पैसे बना रहे थे, राइट? बट 50th एज के बाद है कि कैन वी हेल्प द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसके पास पैसे ही नहीं है, राइट? और वो बहुत बड़ा गैप है, तो उनके पास हम पहुंच सकें, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये महीने से हम उनको शुरुआत कर सकें और उनके लिए लाइफ के जो सपने हैं साकार कर सकें. आई थिंक दैट इज़ वेयर वी बिलीव आर बिगेस्ट वर्क विल बिल्कुल. और उसी में जो आपको सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन, किसी के 5 करोड़ को मैंने 10 करोड़ कर दिए तो कोई सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो 5 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाएंगे. बट किसी के पास 10,000, 20,000 थे और आपने 10 साल उससे करवा के उसके लिए घर बनवा दिया, उसके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजा आपने पढ़ाने, ये कॉलेज में भेजा, इमेजिन द हैप्पीनेस. एंड दीज आर द पीपल लाइक आर ड्राइवर्स, मेड्स, सर्वेंट्स, राइट? दे आर द वन हु नीड द हेल्प, उनको कोई हेल्प करने जाता नहीं है. तो ये बहुत बड़ा लाइफ का सपना है और ये मुझे करना ही है. एक चीज़ तो आपने बातों बातों में बोली कि जब ये आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, जब आप रॉयल्स रॉयस ले लेंगे, आपका खुद का 100 करोड़ का एम हो जाएगा, तो ये बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी. तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि आपका 30 करोड़ का अभी आज की तारीख में खुद का पोर्टफोलियो है, आप चाहे तो आज भी रॉयल्स रॉयस ले सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल. सो उसमें एक चीज़ है, पहला तो मैंने आपको जो बताया कि पार्किंग नहीं है, पहले तो पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. करेक्ट करेक्ट. सो आइडिया है कि पहले एक अच्छी ऑफिस, यू नो, बेहतरीन ऑफिस जहाँ पार्किंग है, घर जहाँ पार्किंग है. जो मैं अभी घर में रह रहा हूँ वो पार्किंग नहीं है. अच्छा. सो तो ये पहले तो इसको करना है, फिर रॉल्स रॉयस लेनी है. और 2 साल में, 2 साल आप गैप देते हो ना, कंपाउंडिंग जो आपके पोर्टफोलियो में और बढ़ जाती है. एक तो मैं आज निकाल रहा हूँ पैसे और 2 साल बाद निकाल रहा हूँ, तो तब तक आप सोचो ये जो 30 है, 30 का 40 तो 2 साल में यूं ही हो जाएगा. Absolutely. तो रॉल्स रॉयस तो फ्री में हो गई आपकी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो वो पावर भी है. तो मैं सोचा, और मैं अभी 43 बर्थडे हूँ, पहले मैंने सोचा था 50th बर्थडे, अभी मैंने उसको 45th बर्थडे कर लिया. तो एक ये माइलस्टोन मैंने रखा है कि 45th बर्थडे पे या उससे पहले उस दिन लेनी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक गजेंद्र जी.
जो जितना मैं सोच के आया था कि मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी, उसे कई गुना ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा हूँ और हमारे दर्शकों को भी वो मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी कि आप आए और आपने ये एफर्ट्स लेके ये स्टोरी कवर की। यही एक आइडिया है कि ये स्टोरी अगर बहुत लोग को पहुंच सके और उनसे उनको कुछ फायदा हो सके, एक भी बात अगर वो स्टोरी से सीख सके, बहुत तो अपने जो आज ये टाइम स्पेंड किए हैं उसका वर्थ बिल्कुल निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग। DITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।